हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जावा व्लॉग्स। आज हम आया है एजिमला शिवा टेम्पल। यहाँ पर जो है जो शिवा जी का स्टैचू जो है बेहतरीन लुक में है, बहुत बढ़िया से है। यहाँ पर जो है अब आया है तो दिखा देंगे कैसे होता है। अब हम अंदर जाने के बाद शिवा जी का दिखाएंगे। ये है एजिमला शिवा टेम्पल की एंट्रेंस की बाग है। यहाँ देख सकते ये दरवाजा है, इसके अंदर से अंदर जाना पड़ेगा। इसकी कुछ टाइमिंग्स है, मॉर्निंग आवर में ओपन रहेंगे, फिर शाम को 5 बजे ओपन रहेंगे। ओके, उससे पहले पहले इसका दर्शन हो जाए तो अच्छा है। और यहाँ से आपका लॉकर्स वगैरह है और शॉप है, यहाँ से जो जाना से बीच एरिया की रास्ता है। ठीक है गाइस, देखिए आगे की यही है जो शिव जी का मूर्ति है। अभी एंट्रेंस कर लिए हैं तो आप दिखा देंगे कि कैसे है क्या है। देखिए शिव जी का है मूर्ति, कितना बढ़िया सुंदर सा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर ये जो छोटे टेम्पल है, मंदिर है, ठीक है, वहाँ से दर्शन करके यहाँ पर आना है। ठीक है, यही है शिव जी का मूर्ति। और इसके अंदर में ऊपर में जो गंगा है वो भी है, रखा हुआ है, उसको मैं जूमिंग करके देखा रहता। और यहाँ पर जितना भी है, यहाँ का लोकल और नॉन लोकल, बहुत आंध्रा तेलंगाना और तमिलनाडु कर्नाटका, ये सारे जगहों से आके यहाँ पर ये शिव जी का दर्शन करता है। और यहाँ पर तक नॉर्थ का दिल्ली वाले भी आ रखा है, आते रहते हैं, क्योंकि ऐसे जो टेंपल से बहुत कम नज़र आता है, क्योंकि जो स्टैचू है इतना, जो मूर्ति है इतना बढ़िया सुंदर सा, सिर्फ मूर्ति मूर्ति दिख जाए, ये कुछ गिना चुने हैं। वैसे कोयम्बतूर में है और यहाँ पर है, ऐसे कुछ जो भी है ऐसे दिखने में लगता है। ठीक है, ऐसे बेहतरीन जगह लोकेशंस के लिए आना बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर जो त्रिवेंद्रम में आ ही गए तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। और बहुत दूर नहीं है, 1 घंटे के रास्ता है त्रिवेंद्रम से, आराम से आ सकते हैं। बसेस अवेलेबल हैं, आप गाड़ी वुड़ी करने से अच्छा बस में आइए और यहाँ टेंपल तक आ जाता है। जस्ट वहाँ थोड़ा सा दूर है, चलना पड़ता है, बट यहाँ पर जो डाउन बहुत है, ऊंचा से बहुत डाउन में आना पड़ता है, रिटर्न में बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो है हम आए हैं तो दिखा रहा है, यहाँ का लोकेशंस भी है ना, बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस है इसका बगल में, उस बीच एरिया हो या उस तरफ पार्किंग एरिया हो। और उस तरफ दिखाने से जो है ना समुंदर की एक तरफ बेहतरीन नज़र आता है। यहाँ पर जो लहर जो आते हैं ना, यहाँ पीछे की तरफ पत्थर है और पत्थरों का बीच में जो पानी आता है तो ऐसे मार देते हैं पानी को लहर, बेहतरीन लुक आ जाता है उसको। लुक से देखते देखते ही आपका टाइम कट जाता है, मतलब मुझे तो जो पसंद है लहर, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, बाकी अपना अपना चॉइस होता है। देखिए यहाँ पर जो गंगा देवी हैं कैसे हैं। ओके गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आना है तो कैसे आना है, क्या है रास्ता के लिए, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, उसमें सारे मैं दिखाऊँगा। ओके गाइस, ज़रूर देखिए और यहाँ पर आगे तो विज़िट ज़रूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।